So students, we are reading about the reproduction in oviparous animal. We have read the life cycle of a chicken and parts of egg. Today we have to talk about the life cycle of a fish. Okay, let's read this. Fish. A female fish lays a large number of eggs at a time in water. After laying eggs, the mother fish leaves them and they get eventually consumed by bigger fishes. Hence, out of thousands of eggs, only a few grow. That means only some of them hatches into fry. Young fishes are initially called fry. Fry undergo developmental stages which vary from one species to another to become juvenile. A juvenile finally turns into an adult fish. Look at here in the picture. ये जो फिश है ये पानी में एक ही समय में बहुत सारे एग देती है, ठीक है, एग ले करती है. उसके बाद क्या होता है कि ये जो मदर फिश होती है वो इन एग्स के पास में नहीं रहती, ये कहीं इधर उधर पानी में और चली जाती है, ठीक है. इसके वजह से ये बहुत सारे एग रहते हैं यहाँ पे जो अकेले पड़ जाते हैं. तो इसके बाद जो और भी दूसरी बड़ी मछलियाँ होती है वो आती है और इस एग को खा जाती है. तो इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि आउट ऑफ थाउजेंड्स See, out of thousands of eggs, only a few grow. That means only some of them hatches into fry. तो जो बड़ी मछलियाँ होती है वो इसमें से कुछ अंडों को खा जाती है. इसके वजह से बहुत सारे अंडे में से कुछ ही अंडे जो हैं वो इस तरह से अंडों में से फ्राई निकलती है. छोटी मछली जिसको फ्राई बोला जाता है, ये बहुत छोटी होती है. फिर जब इसमें और डेवलपमेंट होता है और ये बड़ी होती हैं तब फिर ये इस तरह से ये इतनी बड़ी मछली बनती है जिसको जुवेनाइल बोला जाता है. और फिर जुवेनाइल क्या है, और भी बड़ी होती हैं और बड़े होने के बाद में फिर ये एडल्ट फिश बन जाती हैं. और ये एडल्ट फिश वापस से फिर से एग देंगी, एग फिर से टूटेगा, उसमें से फ्राई निकलेगा, फ्राई फिर से बड़े होकर जुवेनाइल बनेगा, जुवेनाइल से फिर एडल्ट फिश बनेगा. तो इस तरह से ये जो लाइफ साइकिल है फिश का वो आपस में घूमता रहता है, ठीक है. तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ फिश. नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, आप लोग को दिया है लाइफ साइकिल ऑफ अ टर्टल. तो टर्टल भी देखो क्या है, ये भी ओविपेरस एनिमल है, ये भी एग ले करता है ना. देखो रेप्टाइल्स क्या बोल रहा है, रेप्टाइल्स लाइक लिजर्ड्स, टर्टल्स एंड स्नैक्स, दे ले देयर एग्स इन होल्स इन द ग्राउंड. दीज एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय हार्ड शेल. इन टर्टल्स द हैचिंग गो बैक टू द रिवर्स एंड सीज टू ग्रो इन टू एडल्ट. सी ये जो एडल्ट टर्टल है ये देखो एग देता है, ये जो ग्राउंड पे जो गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं, उसके अंदर जाकर के ये लोग इस तरह से एग देते हैं. और एग देने के बाद में जो ये मदर टर्टल है ये वापस से कहाँ चला जाता है, पानी में चला जाता है. और फिर ये जब ये अंडे जो हैं वो जब टूटते हैं तो इसमें से भी छोटे छोटे जो टर्टल निकलते हैं वो भी वाटर में चले जाते हैं और फिर पानी में ही रहते हैं और फिर वहीं पर वो बड़े होते हैं और फिर इस तरह से एडल्ट बनते हैं. और ये लाइफ साइकिल इसी तरह से गोल गोल चलता रहता है, ठीक है. अब देखो, इन सर्टन ओविपेरस एनिमल्स सच एज हैंड फिश द यंग हैज अ स्ट्रॉन्ग रिसेम्बलेंस टू द पेरेंट. हाउएवर इन द केस ऑफ अदर ओविपेरस एनिमल फ्रॉग्स एम्फीबियंस एंड बटरफ्लाइज इंसेक्ट्स द यंग डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स. सी स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एनिमल जो होते हैं लाइक चिकन है, फिश है, टर्टल है, तो इनके जो एग हैच करते हैं तो उसमें से जो बेबी बर्ड्स निकलते हैं या बेबी एनिमल जो भी निकलते हैं वो अपने पेरेंट प्लांट के जैसे ही दिखते हैं, ठीक है. बट कुछ ऐसे ओविपेरस एनिमल भी होते हैं जो एग देते हैं बट उसमें से जो हैच करने के बाद में जो उसमें से जो एनिमल्स निकलते हैं वो अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं दिखते हैं. लाइक फ्रॉग, एम्फीबियंस, बटरफ्लाइज, इंसेक्ट्स, ये दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से ये नहीं मिलते हैं, ठीक है. बटरफ्लाइज के भी अलग अलग कलर होते हैं, इस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो एक दूसरे से. अब देखो इसमें क्या दिया हुआ, एक है एम्फीबियंस. एम्फीबियंस, इन फ्रॉक्स द फीमेल लेज अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर. ईच एग हैचेज इन टू अ टैडपोल विच हैज़ अ टेल एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स. The tadpole grows into young frog or froglet and then becomes an adult frog. During this process, the froglet loses its tails and gills and develops lungs to breathe on land. See students, जो frog होता है वो भी क्या करता है, एक बार में बहुत सारे
अंडा देता है, ठीक है, वाटर पे एग ले करता है। उसके बाद में जब एग जब हैच होता है मतलब टूटता है, तो उसमें से इस तरह से एक टैडपोल निकलता है जो मछली के जैसा इसका शेप होता है ना। और इनके पास में गिल्स होता है, जैसे फिश के पास गिल्स होता है सांस लेने के लिए, तो जब वो टैडपोल होता है छोटा होता है तो उसमें इस तरह से गिल्स बने हुए होते हैं ताकि वो वहाँ से सांस ले सके पानी के अंदर में, ठीक है। इसके बाद जब वो थोड़ा सा और बड़ा होता है फ्रॉगलेट बनता है, ठीक है। उसके बाद में जो फ्रॉगलेट जब फ्रॉग की तरफ जाता है तो वो इसका जो टेल होता है वो गायब हो जाता है, इसका गिल्स ख़त्म हो जाते हैं और सॉरी इसका जो टेल्स होता है वो ख़त्म हो जाता है और गिल्स जो है वो भी नहीं रहता है, वो लूज़ कर देते हैं और फिर ये फ्रॉग बन जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है द फ्रॉगलेट लूजेस इट्स टेल्स एंड गिल्स एंड डेवलप्स लंग्स टू ब्रीद ऑन लैंड। तो गिल्स जब हट जाता है तो वो फ्रॉग देखते हैं हम लोग बाहर लैंड में भी उछलता रहता है ना, तो फिर उसके बाद में वो पूरा लंग्स जो है इनके में टेल्स और गिल्स तो गायब हो जाते हैं, तो क्या करता है इनका लंग्स डेवलप होता है ताकि वो बाहर लैंड पे भी सांस ले सकें, ठीक है। तो ये है और यही साइकिल है जो बार बार चलता रहता है। तो ये एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस एनिमल उनको कहा जाता है जो दोनों जगह पे रह सकते हैं एज वेल एज ऑन लैंड एंड इन वाटर, ओके। नाउ सी इंसेक्ट्स, स्मॉल क्रिएचर्स आर नोन एज इंसेक्ट्स। सो सी इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज रिप्रोड्यूस बाई लिंग एग्स। There are four stages of development. The female lays eggs on the lower surface of a leaf so that they remain hidden and protected. Each tiny egg hatches into a caterpillar which looks like a worm called a larva. तो सी देखो स्टूडेंट्स, ये जो बटरफ्लाई होती है ये पत्तियों के नीचे नीचे में अच्छे से एग देती है, और इसका जो एग होता है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है, वो लीव्स में चिपक जाता है जिससे कि वो नीचे नहीं गिरता है, ठीक है। फिर जब एग हैच होता है तो उसमें से इस तरह से कैटरपिलर निकलता है, कीड़ा निकलता है जो पूरे पत्तियों को भी खा जाता है, ठीक है। और विच लुक्स कैटरपिलर विच लुक्स लाइक अ वॉर्म कॉल लार्वा, जो ये जो कैटरपिलर होता है वो एक कीड़ा है, लार्वा उसके जैसा दिखता है। इसके बाद देखो क्या होता है, अ कैटरपिलर फीड्स ऑन लीव्स एंड ग्रो रैपिडली इन साइज। ये जो कैटरपिलर जो कीड़ा होता है ये बहुत जल्दी जल्दी लीव्स को खा जाता है और फिर बड़ा हो जाता है, साइज इसका बढ़ने लगता है तुरंत। इट ग्रोज सो फास्ट दैट इट बिकम्स टू बिग टू रिमेन इन साइड इन अ ओल्ड स्किन। अब देखो वो इतना बड़ा होते जाता है कि उसका जो पुराना स्किन होता है वो उसके अंदर में रह नहीं पाता है, तो इस वजह से वो अपने स्किन को छोड़ देता है, और है ना। इट शेड्स इट्स ओल्ड स्किन सेवरल टाइम्स एंड ग्रोज न्यू वंस, और ये बार बार अपने ऊपर का जो स्किन होता है उसको चेंज करता रहता है और फिर न्यू में चेंज होता रहता है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मोल्टिंग, इस प्रोसेस को मोल्टिंग बोलते हैं। जैसे आप लोग स्नेक का सुने होंगे कि स्नेक सांप का जो केचली होता है वो भी अपना केचली को छोड़ देता है ऊपर वाला पार्ट को, तो वैसे ही इनमें भी होता है। द कैटरपिलर देन फॉर्म्स अ कवरिंग अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड कोकून, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। अब देखो कि कहीं पे कोई कीड़ा है, इंसेक्ट्स है, कैटरपिलर है या कोई भुआ पिल्लू है कुछ है, तो वो क्या होता है कहीं पे एक जगह पे अगर टिक गया है तो वो बहुत दिन के उसको थोड़े दिन के बाद देखेंगे तो वो अपने चारों तरफ धागा धागा टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है, जाला टाइप का, जिसको क्या बोलते हैं कोकून। तो अराउंड इटसेल्फ कॉल्ड कोकून, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, और इस स्टेज को प्यूपा बोला जाता है, ठीक है। वो इस तरह का होता है, पिक्चर में देख सकते हो इस तरह से वो अपने बाहर अपने पूरे बॉडी को ढकते जाता है, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट पेज में, अ कोकून इज़ यूजुअली ब्राउन और ग्रीन इन कलर, इट मर्जेस विद द सराउंडिंग्स लाइक द ट्रीज लीव्स एंड ब्रांचेस एंड रिमेन्स हिडन फ्रॉम प्रीडेटर। इनसाइड द कोकून मैनी चेंजेस टेक्स प्लेस, फाइनली अ ब्यूटिफुल बटरफ्लाई ब्रेक्स ओपन द कोकून एंड कम्स आउट। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स अ हैचिंग टू एन एडल्ट इंसेक्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखो स्टूडेंट्स क्या बोला कि जो कोकून होता है वो जनरली ब्राउन या ग्रीन कलर का होता है ताकि वो जिस भी प्लांट में है उसके अनुसार कलर जो है वो मिक्स हो जाए पेड़ में, जिसके वजह से वो प्रोटेक्टेड रहता है, हिडन रहता है, मतलब छुपा हुआ रहता है, ठीक है, फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स मतलब शिकारी होता है जो है ना उनसे बचा हुआ रहता है। इनसाइड द कोकून बहुत सारे चेंजेस जो है वो चलते रहते हैं। देखो क्या होता है उसमें एक ब्यूट और फिर लास्ट में क्या होता है कि एक ब्यूटीफुल सी जो तितली है बटरफ्लाई वो कोकून से बाहर निकलती है, ठीक है। और इस ये जो फॉर्मेशन होता है कि एग का फूटने से लेकर के उसका एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बनने तक का ये पूरा प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस बोला जाता है, ठीक है। देखो दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ हैचिंग टू एन एडल्ट इंसेक्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस।
तो मेटामॉर्फोसिस सॉरी ओवीपेरस वाले पार्ट्स खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में वीवीपोरस पार्ट्स पढ़ने पढ़ेंगे।